जी क्लास, वेलकम इन सेशन थ्री। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर दूं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं जहां से बाद हमारी बात अभी रुकी थी। मैं थोड़ा सा वेट कर लूं एक मिनट ताकि आप बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर लें। हमें बस थोड़ा सा वेट, फिर हम बात कंटिन्यू करते हैं जहां से हमारी बात अभी डिस्कनेक्ट हुई थी सेशन थ्री में आने के लिए। और मैं स्टूडेंट्स को भी बता दूं, ओके क्लास, ओके मेरे ख्याल से आप स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं, बाकी ऐसा ऐसा होते रहेंगे। हम कंटिन्यू करते हैं और बस ये थोड़ा सा ये डिस्कशन करने के बाद फिर हम कुछ जैसे ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हम कुछ एग्जाम के बारे में छोटी सी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सो क्लास, हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियोज की बात आ रही है तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि ये फॉर्मूला हमारे पास C4 फॉर्मूला कहलाता है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी वक्त हमारे पास हम थ्री कंपनीज की बात कर रहे हैं, जैसे आपको मैंने वॉल्स, ओमोर और इग्लू की बात बताई है, तो हमारे पास फिर S1, S2, S3, तो ये फॉर्मूला हमें हमारे पास कहलाएगा C3 फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 7.1 देखने के लिए, ठीक है। आई एम स्टॉप शेयरिंग दिस और बस एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं जरा उस टॉपिक तक पहुंच रहा हूँ क्योंकि इन द मीन टाइम हमने चैप्टर 7 भी स्टार्ट कर लिया है। ओके क्लास, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये चीज डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 7.1 यहाँ लिखा होता है। अब ये बहुत आसान से फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था ना कि आज हमारी टॉपिक भी आसान है, उनके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान। सपोज एन इंडस्ट्री इज कंपोज ऑफ 6 फर्म्स, 4 फर्म्स हैव सेल्स ऑफ $10 ईच एंड 2 फर्म्स हैव सेल्स ऑफ 5 ईच, व्हाट इज द 4 फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो जब ये $10 ईच हमारे पास लार्ज इंडस्ट्रीज की सेल्स हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल इंडस्ट्री सेल्स आर ST, सेल्स टोटल इज इक्वल टू $50, ठीक है ना। 4 तो ये हो गए कंपनीज और 2 कंपनीज हमारे पास है जो $5 की हमारे पास बात करती है। ओके, वट इज द 4 फर्म, ठीक है, आपको बता दिया मैंने द सेल्स ऑफ द 4 लार्जेस्ट फर्म्स, इनको हमने देखा था ये 440 हो गया, इनको अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे टोटल सेल्स से तो हमारा आंसर आया 0.8। इसका मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई हम 100 से कर दें तो हमारे पास परसेंटेज भी आ जाएगी। हम कह सकते हैं कि 0.8 रेशो है या हमारे पास 80% टोटल इंडस्ट्री का ये 4 कंपनीज बेयर कर रही हैं या ये उसके लिए काम कर रही हैं। तो ये आसान सी आपके पास कैलकुलेशन थी जो आपने यहाँ पर देख ली, ठीक है क्लास। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और दोबारा से जा रहा हूँ आपकी लेक्चर की तरफ। ये हमारे पास थी डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 7.1। इसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक है जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं
ये हमारे पास है हर्फिंडल हर्शमैन इंडेक्स, HHI, हर्फिंडल हर्शमैन इंडेक्स, द सम ऑफ द स्क्वेयर्ड मार्केट शेयर्स। तो जितने भी हमारे पास मार्केट शेयर्स होते हैं उनका हम स्क्वेयर करते हैं, उनका सम ले लेते हैं, सम ऑफ स्क्वेयर्ड मार्केट शेयर्स ऑफ फर्म्स इन अ गिवन इंडस्ट्री मल्टीप्लाइड बाय 10,000। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम उनको 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये आपके पास है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 7.2, तो मैं फिर आपके साथ एक दफा जाता हूँ और यहाँ से शेयर करता हूँ, आपके पास 7.2, आपके पास ये एग्जाम्पल है। Suppose an industry consists of three firms. Two firms have sales of $10 each and one firm has sales of $30. What is the Herfindahl-Hirschman index for this industry? What is the four firm concentration ratio? ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दो बातें की जा रही हैं, तो आप दो सॉल्यूशंस यहाँ पर देखेंगे। एक हमारे पास है जो हमसे अभी बात की जा रही है, तो इसमें होता ही है कि हम यहाँ पर सिंस टोटल इंडस्ट्री सेल्स आर ST इज इक्वल टू 50, ठीक है, टू फर्म्स हमारे पास हैं। सपोज द इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ थ्री फर्म्स, टू फर्म्स हैव सेल्स ऑफ 10, हमारे पास ये थ्री कंपनीज की बात हो रही है, तो टू फर्म्स हमारे पास 10 के साथ है और एक कंपनी हमारे पास 30 है, तो टोटल हमारे पास यहाँ 30 लिखा हुआ है, टोटल सेल्स 30, इसलिए 30 लिखा हुआ है। द लार्जेस्ट फर्म हैज अ मार्केट शेयर ऑफ W1, मतलब उसकी जो वेट है सेल्स हैं वो 30/50। अभी 30/50 याद आ गई, जो अभी हमने पहले देखा था कि उसकी अपनी सेल्स 30 हैं डिवाइड बाई टोटल सेल्स, तो S3 डिवाइडेड बाई ST, एंड द अदर टू फर्म्स हैव a market share of 10/50 each. Thus, the Herfindahl-Hirschman index for this industry is 10,000 multiply karenge, ye square brackets, aur humne 30/50 square le liya, plus 10/50 square kiya, plus 10/50 square kiya, to humare paas answer aaya 4,400. The four firm concentration ratio is 1. Since the top three firms account for all industry sales, तो हर्शमैन की जो, अच्छा ये तो आपके पास एक आंसर हो गया ना, क्योंकि आपके पास दो क्वेश्चन किए गए थे। व्हाट इज द हर्फिंडाल-हर्शमैन इंडेक्स, वो तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास ये इंडेक्स 4,400 है, ठीक है, एक आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपके पास था व्हाट इज द फोर फर्म कॉन्सेंट्रेशन फर्म, अब क्योंकि यहाँ पर है ही थ्री फर्म्स, यहाँ थ्री फर्म्स की बात हो रही थी, तो ये तो रेशियो फाइंड करता है फोर फर्म्स के लिए, तो इसीलिए आपको लिख के बता दिया द फोर फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इज 1 सिंस द टॉप थ्री फर्म्स अकाउंट फॉर ऑल इंडस्ट्री रेशियो। तो हमारे पास अगर हम थ्री कंपनीज के रेशियो को निकाल कर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ, तो वो तो 50/50 इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, ठीक है, 10, 10 और 30, 50/50, जैसे अभी हमने पिछले फॉर्मूला में किया था, हमारे पास आंसर रेशो 1 ही आ जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये कैलकुलेशन आपके पास 1 आ गई। ठीक है, मैं तो चैट में देख लूं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। सना आपने पूछा है कि 50 कैसे आया, मैंने आपको बता दी, शायद आपको समझ में आ गया होगा 50 कैसे आया, ये 10 की दो फॉर्म है 10 10 और एक थर्ड फॉर्म है 30, तो ये 50 आपके पास आ गया, तो हम डिनोमिनेटर में 50 लिखते हैं ना, और गुलाम ने भी आपने कहा कि 10,000 कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला का एक कांस्टेंट है, ठीक है, और फॉर्मूला के कांस्टेंट्स पे हम क्वेश्चन नहीं करते कि आपके पास ये 2 कहाँ से आ गया, 4 कहाँ से आ गया, 10 कहाँ से आ गया, फॉर्मूला में जो वैल्यूज होती हैं कांस्टेंट वो वैसी होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने स्कूल में पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपने कभी ये नहीं कहा कि डिनोमिनेटर में 2AQ लिखा हुआ होता है, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में 4ACQ लिखा हुआ होता है, तो ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूलाज बस ड्राइव होते हैं और फॉर्मूलाज हमें मिल जाते हैं, तो ये 10,000 इसके फॉर्मूला का। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, हम आगे चलते हैं, एंड आई एम स्टॉप शेयरिंग दिस अगेन एंड कम टू शेयर द नोट्स अगेन। तो ये हमारे पास नोट्स थे जो भी हम बात कर रहे थे, और
अच्छा, मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारा टॉपिक है क्या। हम नेचर देख रहे हैं मार्केट इंडस्ट्री की, पूरी इंडस्ट्री की नेचर क्या होती है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास फर्म साइज हो सकता है, उसमें कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर तो हो रही है ना। अभी तो दो पॉइंट्स हो गए ए एंड बी, तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ रहा है वो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो हम इंडस्ट्री को देख रहे हैं और उसमें हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में ये लिखा हुआ है कि इस इंडस्ट्रीज ऑल्सो डिफर विद रिगार्ड्स टू द टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो किसी के पास टेक्नोलॉजी नई होती, किसी के पास टेक्नोलॉजी पुरानी होती। मिसाल के तौर पर अगर हम एयरलाइन की बात करें, वो हम ये देखें कि हमारे पास एक कंपनी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जहाज़ मौजूद हैं, और एक कंपनी के पुरानी टेक्नोलॉजी के जहाज़ हैं। तो आप किसमें सफ़र करना पसंद करेंगे? इसी तरह से आपके पास, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते रहते हैं ना, आप देखते हैं कि हम बहुत सी दफ़ा बात करते हैं कि ये एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, यहाँ पर पुराने इक्विपमेंट्स हैं, और ये हॉस्पिटल है जहाँ पर नए इक्विपमेंट्स हैं। आप खुद सोच लीजिए कि हम, कोई भी इंसान अल्लाह ताला हमें हॉस्पिटल्स में ना भेजे, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाना चाहते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आप कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस ऊबर या करीम या कोई और सर्विस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको अगर बताया जा रहा है कि आपके पास तीन चार ऑप्शंस हैं, और उसमें कुछ लेट्स से एक कंपनी है वो उसके पास तमाम नई गाड़ियां हैं, एक कंपनी है जिसके पास तमाम पुरानी गाड़ियां हैं, तो आप खुद सोचिए आप किस कौन सी सर्विसेज यूज़ करना चाहेंगे। तो टेक्नोलॉजी से फ़र्क पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स में भी फ़र्क पड़ता है और सर्विस में भी फ़र्क पड़ता है। अब इसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी में दो तरह की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, एक होती लेबर इंटेंसिव और एक होती कैपिटल इंटेंसिव। एक होती है ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें लेबर ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, मतलब उसमें ऑटोमेशन कम हो रही होती है, लेबर ज़्यादा आ रही होती है। तो लेबर ज़्यादा है या ऑटोमेशन वहाँ पर ज़्यादा है। कुछ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट ऐसी होती हैं जहाँ पर उस टेक्नोलॉजी में जाने के लिए कैपिटल बहुत चाहिए होता है। ठीक है, उस इंडस्ट्री में कैपिटल बहुत चाहिए है। मिसाल के तौर पर एक इंसान कहता है कि मुझे एक सेल कंपनी मार्केट में लेकर आनी है, मुझे एक ऑटोमोबाइल कंपनी मार्केट में लेकर आनी है, मुझे एक एयरलाइन मार्केट में लेकर आनी है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि 2-4 करोड़ में सारे काम हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर ये कंपनी मार्केट में आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास होती है। तो ये इस तरह से ये लोग काम करते हैं। तो कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो इस तरह से हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव भी होती है और लेबर इंटेंसिव भी होती है। इसके बाद थोड़ी सी बात की जा रही है जिसमें बात हो रही है डिमांड एंड मार्केट कंसिडरेशन। अब जब हम कहते हैं डिमांड और मार्केट, तो हम जाहिर है कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री को देखेंगे तो वहाँ ये देखेंगे कि लेट्स से एक सेल कंपनी वो कहती है कि मैं आकर मोबिलिंक, जोंक और कौन है, टेलीनॉर और यूफोन, इन चार के होते हुए मैं मार्केट में आऊं और मैं मार्केट में आके कम्पीट करूं, तो उसको तो बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन मिलेगा। मार्केट में मजीद डिमांड है कि नहीं है, ठीक है, और मार्केट की कंडीशन क्या है। बहुत मतलब जैसे हमारे पास होता है ना कि कोई कंपनी मार्केट में आ रही है, ऊपर हमने कहा कि टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव, तो बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी किया जाए और वहाँ पर हमें डिमांड भी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आए, तो फिर हम क्या कहेंगे, छोड़ दो ये बिजनेस नहीं करते, इससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। या फॉर एग्जांपल ये देखा जाए कि एक कंपनी वो कहती है कि मैं सेल कंपनीज में 5G टेक्नोलॉजी लेकर आऊँ और मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ, चंद अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करूँ और मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी 5G टेक्नोलॉजी किसी और को नहीं दे रही। ठीक है, तो उसको एक मार्केट नज़र आ सकती है। लेकिन अगर वो 4G या 3G की तरफ आता है या 3G की तरफ उनको लेकर आना चाहता है, तो क्या कहेगा, 4G तो पहले से मार्केट में, मेरे पास अगर 3G टेक्नोलॉजी है तो मैं मार्केट में जाकर कैसे सर्वाइव करूंगा, मेरे पास तो कस्टमर ही नहीं आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास मार्केट कंडीशंस को देखा जाता है। जैसे आपके पास ऑडी कार है, उन्होंने पिछले साल ये कहा कि हम पाकिस्तान में अपनी सबसे सस्ती कार का वेरियंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बाय द वे उनकी जो सबसे सस्ती कार थी वो भी 25 करोड़ की। तो अब क्या पाकिस्तान एक रिच कंट्री है या पुअर कंट्री है? अगर वो यही काम फॉर एग्जांपल किसी यूरोपियन कंट्री में करते या फॉर एग्जांपल किसी एक मिडिल ईस्ट कंट्री में करते, तो क्या उनकी गाड़ियां कम सेल होती हैं ज़्यादा सेल होती पाकिस्तान के कंपैरेटिवली?
ठीक है, या वो किसी एक अफ्रीकन कंट्री में चले जाएं जो कि और ज़्यादा गरीब हो, तो वहाँ पर क्या उनकी गाड़ी कितनी सेल होंगी। तो आपके पास पॉइंट लिखा हुआ है, लो डिमांड रेफर्स फ्यू फर्म्स, हाई डिमांड रेफर्स मोर फर्म्स। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है तो वहाँ पॉइंट नंबर टू, ज़्यादा डिमांड है, हाई डिमांड है तो ज़्यादा फर्म्स होंगी वहाँ पर कॉम्पिटिशन में आ जाएंगी, और लो डिमांड है तो चंद फर्म्स आएंगी। जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि हमारे पास अगर बड़ी गाड़ियों की बात आती है तो हमें रोड पर इत्तफाकी नज़र आती हैं, मर्सिडीज़ या BMW या हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ वहाँ पर नज़र आ सकती हैं, ऑडी वगैरह नज़र आती हैं। लेकिन अगर हम किसी और कंट्री में देखें तो वहाँ पर सिर्फ तीन ब्रांड्स नहीं होंगे, वहाँ पर तो बहुत से तरह के ब्रांड्स होंगे, क्योंकि वहाँ पर बाइंग पावर ज़्यादा है, तो हाई डिमांड है, तो हाई डिमांड मोर फर्म्स, लो डिमांड फ्यू फर्म्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इस पॉइंट को भी कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और कैलकुलेशन का तरीका है इन चीज़ों को देखने का, और इसका नाम है रॉथशील्ड इंडेक्स। तो ये रॉथशील्ड इंडेक्स हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास एक सिंपल सा फिर फार्मूला आ रहा है, सिर्फ डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अ मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी टू प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ग्रुप एज अ होल रिलेटिव टू द सेंसिटिविटी ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ सिंगल फर्म टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। तो हमारे पास एक सिंगल फर्म की टोटल के साथ एक कंपैरिजन, एक रेशियो की बात आ रही होती है। तो ये आपके पास है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 7-3। तो यहाँ से मैं जाता हूँ आपके शेयरिंग के लिए, और यहाँ पर हमारे पास मैं स्क्रॉल कर दूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास जो भी मैंने आपको बताया, टेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है, लेकिन मैं आपके लिए शॉर्ट डेफिनेशंस और मेन पॉइंट्स यहाँ से निकालता हूँ, आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करता हूँ। अपना से बिल्कुल सिंपल छोटी सी एक बात यहाँ पर हो रही है, द इंडस्ट्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एयरलाइन ट्रेवल इज -3। अभी आपके -3 कहाँ से आया है, ये हमारे पास इलास्टिसिटी डिमांड कहीं से दी हुई है, पहले से कहीं से डेटा क्वेश्चन में गिवन है। एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल कैरियर इज -4। ठीक है, तो हमारे पास इंडस्ट्री की डिमांड जो है, वो इंडस्ट्री की इलास्टिसिटी डिमांड जो हमारे पास है -3 है, और एक पर्टिकुलर फर्म की जो है डिमांड वो हमारे पास -4 है। व्हाट इज द रॉथशील्ड इंडेक्स फॉर दिस इंडस्ट्री? तो रॉथशील्ड हमारे पास इंडस्ट्री ये बताती है कि -3 / -4, तो हमारे पास आंसर आया 0.75, और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75%। तो हम इसमें तो हम 0.75 ही कहते हैं, लेकिन आम जुबान में एक जनरल डिस्कशन में हम कह सकते हैं कि हमने हम बात कर रहे हैं 75% के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो मैं आज फिर इसको स्टॉप करता हूँ, और हम शेयर करते हैं आपके नोट्स को। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, और ये छोटी सी बात, पोटेंशियल फॉर एंट्री, पोटेंशियल कितना है हमारे पास, कितनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स आती हैं वगैरह वगैरह कॉस्ट होती हैं। कई दफ़ा होता है कि लाइसेंस लिया जा रहा है गवर्नमेंट से, कुछ और तरह के बैरियर्स होते हैं, तो उस तरह की चीज़ों के लिए भी पे करना पड़ता है। जैसे अभी ऊपर भी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़े थे, तो और फिर हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल बनाने के चांसेस होंगे, या हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारे पास पोटेंशियल मार्केट में है या नहीं है, जैसे कि बहुत दफ़ा चाइनीज़ कंपनीज कहती हैं कि हम मार्केट में आना चाहते हैं, तो हमें पाकिस्तान में क्या बहुत कॉस्टली कार्स हम पाकिस्तान में लेकर आएँ, या चाइनीज़ कंपनी ये सोचती है कि हम सस्ती कार लेकर आएँ, क्योंकि हमें पोटेंशियल नज़र आता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वो ज़्यादा बिकेंगी, और हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट शायद ज़्यादा होंगी नहीं होंगी। तो इन सब चीज़ों को इकोनॉमिकली इवेल्यूएट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर टेम्प्रेरीली रुक रहा हूँ, और आपको मैं एग्ज़ाम के बारे में बता दूं। क्लास आपका एग्ज़ाम जो है वो 23rd को है मेरे ख्याल से, जो मुझे याद आ रहा है, देख के आपको बता दूं। जी हाँ, 23rd को फ्राइडे है,
और आपका पेपर जो, जैसे आपको भी पता होगा कि जो यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनके पेपर ऑनलाइन होंगे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इसलिए हमारा पेपर भी ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं? क्या हमारी एक और क्लास अभी और होगी? क्या क्लास आप मुझे बता सकते हैं? इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूँ कि हमारी हमारी आप में से कोई बताएंगे हमारे एग्जाम कब से कब तक है? आपका शेड्यूल क्या है, एग्जाम कब से कब तक है, कोई मुझे बता सकते हैं? सॉरी ये मिस्टेकनली ऐसा हो गया। जी क्लास कोई बताएंगे आप में से कि आपका एग्जाम मिड टर्म एग्जाम कब से कब तक है? क्या किसी को नहीं मालूम? ओके मैं चैट में देखता हूँ, किसी ने कहा है 19 to 5 May। अच्छा आपके एग्जाम जो हैं वो 19 से हैं और 5 May तक हैं, ठीक है। 19 to 5 May हैं आपके एग्जाम्स। तो हमारा पेपर, आपका पेपर जो है ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, ये 23 को है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब हमारी एक और क्लास होगी अभी कमिंग सैटरडे को। मैं समझता था शायद हमारी लास्ट क्लास है लेकिन आपकी एक और क्लास अभी होगी। जी आपने सना सही कहा कि हमारा पेपर 23 को होगा, फ्राइडे को, और हमारा पेपर जो है वो उसके टाइमिंग्स आपको पता ही हैं, 9 to 12 होंगे। 1 hour का पेपर है लेकिन आपको 3 hours दिए जाएंगे और ये आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा है ये वहाँ तक का पेपर होगा, वहाँ तक का सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इस तरह से आपके पास ये आपके पास पेपर तो मैंने आपसे कहा था ना छोटी सी डिटेल्स है, कोई लंबी कोई कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स तो हैं ही नहीं। तो बस आपके पास जो हमने नोट्स में जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं बुक में तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप बुक में से पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, बुक में तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे भी डिटेल्स बता दी। तो आपके पास कॉन्सेप्चुअल पेपर है, सब्जेक्टिव टाइप जिसमें न्यूमेरिकल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और बस ये डिटेल्स थी मेरे मुताबिक। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी स्टडी को अभी कंटिन्यू करते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? जी क्लास मेरे ख्याल से किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी जी अच्छा आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लास से हैं और आपकी आज फर्स्ट क्लास है। हाँ मैं देख रहा था कि आपका नाम पहले मैंने कभी अपनी लिस्ट में देखा नहीं था सनत, तो मैंने डियर अभी बताया तो है आपको, आपका ऑनलाइन पेपर होगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट खुद कंडक्ट करेगा, ऑनलाइन क्लासेस के पेपर्स ऑनलाइन होंगे, कॉन्सेप्चुअल पेपर है, नोट्स मैं आपको तमाम दे चुका हूँ, आप किसी भी फ्रेंड से दोबारा से ले सकती हैं। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है और उस ग्रुप के थ्रू आपको तमाम चीज़ें कम्युनिकेट की जाती हैं, नोट्स भी और ऑनलाइन क्लासेस का लिंक भी, ठीक है। तो आप इस गुलाम में भी 1 घंटे का पेपर है, मैं इस वक्त आपसे ये नहीं बता सकता कि कितने क्वेश्चंस होंगे, आपके पास टोटल 4 या 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 3, 4 या 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, 3, 4 या 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। नहीं डियर जब मैंने बता दी तो आप ये बात इतनी ज़्यादा मत करिए, जब मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्टिव होगा तो इसका मतलब सब सब्जेक्टिव होगा सना, ठीक है ना, जब मैंने कह दिया सब्जेक्टिव होगा तो इसका मतलब सब्जेक्टिव होगा, राइट, इसका मतलब MCQs नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऑब्वियस हो जाती हैं, जितना पढ़ते हैं मेमोना जितना पढ़ते हैं उतना आपका सिलेबस होता है, आपकी नेक्स्ट क्लास तक हम जितना पढ़ेंगे वापस सिलेबस है, ठीक है क्लास। सो मिड का मतलब ही यही होता है ना कि मिड का मतलब होता है बिल्कुल दरमियान में, तो आधे
लेक्चर्स हमारे पहले हो चुके होते हैं और आधे लेक्चर्स हमारे उसके बाद होते हैं। ठीक है, आप अभी पढ़ें और नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे कि इसमें हम अगर कुछ एक्सक्लूड कर सके तो, मैं अभी आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा लेकिन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी नेक्स्ट क्लास तो होगी 17 को, ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट क्लास है 17 को और बिल्कुल 17 को होगी। फिर आपके पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे 19 से, जो आपने कहा कि 5 मई तक कंटिन्यू रहेंगे। गुलाम नबी, कौन सी अटेंडेंस की बात आप कर रहे हैं, क्लास की अटेंडेंस की बात कर रहे हैं या आप एग्जामिनेशन की अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, किस कौन सी अटेंडेंस, क्लास की? तो क्लास की मैं आपके मार्क करता हूँ ना, आपको यहाँ पर देखकर जितने भी आप लोग अटेंडेंस यहाँ पर मौजूद होते हैं, आप जितने लोग अटेंडेंस अटेंड नहीं कर रहे हैं वो भी एबसेंट हैं यहाँ पर। ठीक है, जो अटेंड नहीं कर रहे हैं वो भी एबसेंट हैं, ठीक है, तो वो फिर एबसेंट हो जाते हैं, उनको फिर नुकसान होगा। चलिए क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, मेरे ख्याल से अब छोटी सी बात थी हमारी, हमने कर ली है, नेक्स्ट क्लास भी इंशाल्लाह हमारी होगी तो उस पर हम मजीद बात कर लेंगे, अगर कोई और बात होगी तो, अदरवाइज मेरे ख्याल से कोई और फिलहाल बात नहीं। सो क्लास हम यहाँ पर बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब है हम किस तरह से इसको लेकर चलते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज, द कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ फर्म ऑल्सो टेंड्स टू डिफर अक्रॉस इंडस्ट्रीज। अच्छा, कंडक्ट में हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज या हमारे पास डिफरेंट फर्म्स का बिहेवियर भी अलग अलग होता है, ठीक है, सम चार्ज हायर मार्कअप्स, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके पास एक एप्पल कंपनी सेलफोन है, अब एप्पल सेलफोन महंगे क्यों होते हैं, क्या उनकी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अपनी एक उन्होंने प्राइस बहुत हाई रखी हुई है, वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा लेते हैं। मर्सिडीज़ एक प्रोडक्ट अच्छी भी है लेकिन वो ज़रूर से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, तो ये मतलब नहीं कि एप्पल आपसे जितना चार्ज करता है उसकी प्रोडक्ट की वर्थ उतनी ही है, ऐसा नहीं है, वो अपनी मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट वर्थ के लिहाज से ज़्यादा चार्ज करता है और दिखाता है कि मैं आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ तो मैं आपसे चार्ज भी ज़्यादा कर रहा हूँ, और फिर लोग पे करते हैं, जब लोग पे करते रहते हैं इसका मतलब वो कहता है कि यार जब लोग पे कर रहे हैं तो मैं अपनी प्राइस को कम क्यों करूं, मैंने अपनी एक क्वालिटी का एक ब्रांड का एक नाम और उसकी प्राइस रख दी है तो चलती चली जाएगी। इसके बाद है सम ससकेप्टेबल टू मर्जर्स और टेक ओवर्स, तो कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं जो उनका इरादा ये होता है कि हम टेक ओवर कर लेंगे या मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, कुछ फर्म्स का इरादा ही ऐसा होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, देखें किसी भी इंडस्ट्री में दाखिल होना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब कि अगर मैं सोचूं कि मुझे एक एयरलाइन बनानी चाहिए तो हो सकता है कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो तो मेरे लिए थोड़ी बात मुश्किल हो, लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरे लिए आसान काम होगा। तो इसलिए हर फर्म का एक्सपीरियंस हर इंसान को नहीं होता, और जिनको हो जाता है फिर उसमें वो बहुत तरक्की करते चले जाते हैं। आपको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊँ, ये एक आप जानते हैं ना अमिताभ बच्चन, इंडियन एक्टर, उसको क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में और टीवी में भी काफ़ी उसने काम किया, कई प्रोग्राम्स कई शोज में काम किया, उसको एक एक्सपीरियंस ये हो गया था अपने काम करते करते कि वो टेलीविजन चैनल्स कैसे बनाने हैं। एक तो ये भी हो जाता है कि उनके सोर्सेज होती हैं तो उनको लाइसेंस भी जल्दी मिल जाता है, फिर उनको ये भी पता चलता है कि आखिर मैं इसके लिए मुझे तमाम इक्विपमेंट, तमाम मशीन्स, तमाम टेक्निकल लोग मुझे कहाँ कहाँ से मिलेंगे, ये सब सब बातें पता चल जाती हैं, तो वो बहुत आसानी से बना लेते हैं और फिर बना बनाया किसी को सेल कर देते हैं। तो उसने कई चैनल्स बनाकर सेल कर दिए, खुद नहीं रखे। तो इसी तरह से यहाँ पर बात हो रही है सम सब्सक्रिप्टेबल टू मैन मर्जर्स और टेक ओवर्स, कुछ का ये ख्याल होता है कि यार हम एक कंपनी बनाएं और मार्केट में जब उसको हम चलाएंगे और मार्केट में कम्पीट करेंगे तो जो बड़े कंपटीटर्स हैं उनके लिए हम एक थ्रेट बन जाएंगे, तो हमें ज़्यादा रहना नहीं है लेकिन हम अपनी कंपनी को उस लेवल पर लाकर उनसे या तो उनको मर्ज कर लेंगे अगर हमें रहना है ज़्यादा देर, या उनके साथ मर्ज हो जाएंगे और हम निकल के अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर किसी और जगह चले जाएंगे, उनका इरादा यही होता है। तो ये एक कंडक्ट एक नई चीज़ है कि ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग मार्केट में आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म खुद मार्केट में रहना चाहते हैं,
वो या तो नहीं रहना चाहते, अपने आप को किसी और को सेल करके चले जाएंगे। ठीक है क्लास, हमारे पास अब ये बस 10 मिनट रह गए इस सेशन 3 के भी, और इसमें हमारे पास फिर प्राइसिंग बिहेवियर आता है फर्म्स, अच्छा सॉरी, ये पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 3 रह गया, अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसमें कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो एडवर्टीजमेंट पर कम पैसा खर्च करती है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे हमारे पास आप सुपरमार्केट्स में जाते हो, लेट से वहां पर हमारे पास बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं, साबुन के हैं, शैम्पूज के हैं, बहुत से और चीज़ों के हैं। जो अच्छे ब्रांड्स हैं लेबर ब्रदर्स के हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं और बहुत कॉस्टली एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। वो एडवर्टीजमेंट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ ऐसी ऐसी। अब वहां पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है रिटेलर के लिए वो कंपैरेटिवली कम रखते हैं। रिटेलर खुश नहीं होता उनके प्रोडक्ट रखकर, मजबूरन इसलिए रखनी पड़ती है, लोग आके कहते हैं मुझे लक्स चाहिए, मुझे हेड एंड शोल्डर चाहिए या वगैरह वगैरह, तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स नाम लेकर डिमांड करते हैं। लेकिन जो दरमियानी कंपनीज होती हैं वो एडवर्टीजमेंट नहीं करती हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स हमें आपको वहाँ पर बहुत सारी नजर आती हैं। वो कहती हैं कि जब कस्टमर आएगा तो वो हमारे प्रोडक्ट खुद बहुत बेचेगा, और बहुत सी दफ़ा तो रिटेलर खुद कन्विंस करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट लो इसके बजाय, क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होता है। और कभी कभी आप कभी किसी फार्मेसी में जाएं तो बहुत दफ़ा कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जिसमें रिटेलर को प्रॉफिट कम मिल रहा हो तो वो कन्विंस करने की कोशिश करता है हमें कि ये मेडिसिन मत लो, ये मेडिसिन ले लो, ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें भी ऐसे कुछ है ऐसे कुछ है। तो कई दफ़ा उनकी कुछ चीज़ों के लिए ऐसे हो रहा होता है। तो कंडक्ट का मतलब है यहाँ पर कि बहुत सी कंपनीज ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करती हैं, बहुत सी कम करती हैं, बहुत सी बिल्कुल करती ही नहीं है। आप बहुत सी प्रोडक्ट सुपरमार्केट्स में जाकर देखिएगा और देखिएगा कि आप जब टेलीविजन पर बहुत सी चीज़ों के एडवर्टीजमेंट देखते हो तो क्या आपको तमाम कंपनीज के एडवर्टीजमेंट नजर आते हैं? नहीं नजर आते। अब उनमें उनकी ठीक है क्वालिटी थोड़ी सी उनकी इंफीरियर होती है, लेकिन वो प्रॉफिट ज़्यादा बना रहे होते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर मार्केट में चीज़ लेकर आते हैं। वो अपनी चीज़ें अर्न कर रहे होते हैं और दूसरी कंपनी अपनी चीज़ें अर्न प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास प्राइसिंग बिहेवियर है। फर्म्स इन सम इंडस्ट्रीज चार्ज हायर मार्कअप्स देन फर्म्स इन अदर इंडस्ट्रीज, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका। इसके बाद है लर्नर इंडेक्स, ये हमारे पास फिर एक और फार्मूला आ गया। अ मेजर ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मैनेजेरियल कॉस्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स प्राइस। प्रोडक्ट की प्राइस का जो आपके पास जो प्राइस है और जो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है, इसका जो डिफरेंस है डिवाइड करते हैं जब हम टोटल प्राइस से, तो हमारे पास इसको लर्नर इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है। और अगर हम किसी वक्त इन तमाम डिटेल्स के साथ, हमें लर्नर इंडेक्स भी पता है, मार्जिनल कॉस्ट भी पता है, हमें सिर्फ प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो इसको आपको पता थोड़ा सा दाएं बाएं लेके जाएंगे, रीअरेंज करेंगे, तो फिर हमारे पास हम यहाँ पर प्राइस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 4 आपके पास है, इसको देख लेते हैं इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 4 आपके पास ये आ रही है, जो कि बहुत आसान सी है। अ फर्म इन द एयरलाइन इंडस्ट्री हैज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ $200 एंड चार्जेस अ प्राइस ऑफ $300। व्हाट आर द लर्नर इंडेक्स एंड मार्कअप फैक्टर? तो लर्नर इंडेक्स हमारे पास ये आ रहा है, और मार्कअप फैक्टर इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो लर्नर इंडेक्स हमारे पास क्या है, 300 माइनस 200 डिवाइड बाई 300, बस ये वैल्यूज पुट कर दिए और 1/3 हमारे पास आ गया। और जो हमारे पास मार्कअप फैक्टर है, वो जो आपके पास पी लिखा नजर आ रहा था, तो आप वहां से मार्कअप फैक्टर देखते हैं 1/ दिस थिंग। ठीक है, तो आपके पास ये जो उस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ था ना, ये मार्कअप फैक्टर 1/(1 - L), तो ये मार्कअप फैक्टर होता है। ये वहां पर लिखा नहीं था, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसको कहते हैं मार्कअप फैक्टर। तो आप जब यहाँ से लर्नर इंडेक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो दिस इज 1.5 इज द मार्कअप फैक्टर। ठीक है, सो ये आपके पास ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। दरमियान में आपके पास एक्सप्लेनेशन भी है कि
जिसने लिखा हुआ इन दिस इक्वेशन 1/1 माइनस एल इज द मार्कअप फैक्टर, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर भी बता दीजिए एमसी, अगर मार्जिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट्स में ये मार्कअप फैक्टर कॉल किया जाता है। और क्लास हमारे पास टाइम बस शॉर्ट रह गया है, हम दो तीन बातें जल्दी से डिस्कस कर लें और हम इसको बस एंड करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ तक आ गया है, और फिर हमारे पास इंटीग्रेशन एंड मर्जर एक्टिविटी, जब हम इंटीग्रेट करते हैं और मर्ज करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम डिफरेंट चीज़ों को ज्वाइन कर लेते हैं, मिला लेते हैं, और मर्जर का मतलब होता है कि हम किसी के साथ मिलकर काम करते हैं। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है इसमें तीन तरह की बातें आती हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स की बातें आती हैं। अब इसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर वेरियस स्टेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट आर कैरिड आउट इन अ सिंगल फर्म। तो जो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि फर्म खुद ही बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि टोयोटा फॉर एग्जांपल अगर अपना कार का इंजन बना रहा है, वो कहते हैं कि हम अपनी लाइट्स भी खुद ही बनाएंगे, हम इसका व्हील सिस्टम भी, सस्पेंशन सिस्टम भी, और इसकी फॉर एग्जांपल इंजन के और भी कई पार्ट्स हैं, या डैशबोर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं, या कंप्यूटराइज सिस्टम्स गाड़ी में लगे हुए हैं, ये सब हम खुद ही बनाएंगे। तो जितनी चीज़ें वो खुद बनाते चले जाएंगे ये उनकी वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन रेफर्स टू द मर्जिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स इनटू अ सिंगल फॉर्म। अच्छा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक कार बनाने वाली कंपनी है टोयोटा, उन्होंने उसने कहा कि एक और कंपनी है लेक्सस, मैं उस गाड़ी को खरीद लेता हूँ। टोयोटा ने लेक्सस गाड़ी को खरीद लिया, तो क्या हुआ, उन्होंने इंटीग्रेशन कर लिया एक और कंपनी को, लेक्सस को भी सेल करते रहेंगे, टोयोटा को भी सेल करते रहेंगे। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर देना, मर्जिंग करना, ठीक है, सिमिलर को। लेकिन अगर हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स, इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स इनटू अ सिंगल फर्म। टोयोटा कहता है कि यार मेरे पास पैसा बहुत है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं गाड़ी तो मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं एक एयरलाइन को खरीद लेता हूँ। अब कार मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज़ है, एयरलाइन चलाना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, हम चला लेंगे, तो वैसा काम कर लेते हैं। तो अगर हम किसी और कंपनी जो डिससिमिलर कंपनी है, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, उसको अगर खरीद लिया जाता है तो उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर होगा तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, और ये होगा तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स है। इसके बाद हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहती है, और फिर हमारे पास एडवर्टीजमेंट होती है, तो ये चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है मेजर करने के लिए, परफॉर्मेंस। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास परफॉर्मेंस में प्रॉफिट्स कितने हैं, कितने आ रहे हैं, और हमारे पास जितनी भी कंपनीज इंडस्ट्री में हैं या हमारी फर्म है उसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, क्या हम उनसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या कम अर्न कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी बात बताई कि सैमसंग या हुआवी या ओप्पो या एप्पल, ये बड़ी कंपनीज हैं, तो ये कितना कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। इसके बाद हमारे पास, और आपको बताऊँगी, ये ख़त्म हो गया टॉपिक हमारे पास। इसके बाद है सोशल वेलफेयर, तो वो सोशल वेलफेयर सोशली कितना काम कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हैं या कुछ बेनिफिट के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब काम कर रहे हैं, वो वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं कि गरीब तलबा के लिए कुछ बजट्स रखते हैं कि उनकी फी पे करें, उनको डिस्काउंट्स दें, तो ऐसे भी होती हैं बहुत सी दफ़ा। हॉस्पिटल्स भी ऐसे होते हैं जो अर्न भी करते हैं और फ्री में भी काम कर रहे होते हैं। और आपके पास जो लास्ट पॉइंट है, डेंस बाय विलिंग, दिस परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक्स इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू हाउ मच सोशल वेलफेयर वुड इम्प्रूव इफ द आउटपुट इन एन इंडस्ट्री वर इंक्रीज्ड बाय अ स्मॉल अमाउंट। तो अगर ये छोटा सा एक कैलकुलेशन है, मतलब ये एक, और इसका फिर आपके पास एक एग्जांपल है 7.5 जिसको आप खुद कर लेंगे। जैसे अभी हम ऊपर इंडेक्स देख रहे थे, कैलकुलेशन देख रहे थे, तो हमारे पास यहाँ पर भी ये चीज़ है जिसको कहते हैं डेंस बाय विलिंग। तो ये एक टेक्निक है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम हल्की सी भी अमाउंट अपने सोशल वेलफेयर की बढ़ाएं तो हम मार्केट में, इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हर
प्रोडक्ट पर 1 रुपया चार्ज लिया जाए वेलफेयर के लिए तो कितना